लगाने होते हैं या कम गमले लगाने होते हैं, वो आपका बेसिकली आप डायरेक्ट सीडलिंग्स मार्केट से लेते हैं। तो दो स्टेज आपकी हो गई सीड्स की कि आपने सीड्स परचेज किए, दूसरा आपका सीडलिंग। अब सीडलिंग्स के लिए फिर हमारा तीसरा जो स्टेप आता है वो बड़ा क्रूशियल है, नर्सरी मेकिंग। अब नर्सरी मेकिंग से मेरा मतलब है सीड्स को जर्मिनेट करके सीडलिंग के स्टेज पे लेके आना, दैट वी कॉल द सीडलिंग नर्सरी। अब सीडलिंग नर्सरी के लिए आपको कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है, साइड टू साइड डिपेंड करता है। आप अपने दो गमलों को भी सीड नर्सरी बना सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत कम जगह है, आपको बहुत कम गमले लगाने, तो आप दो या तीन ट्रे में अपनी सीड नर्सरी बना सकते हैं। ज्यादा जगह है आप ज्यादा ट्रे ले सकते हैं, या आप अपने ग्राउंड में बना सकते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारा होता है नर्सरी मेकिंग, जहां हम लोग सीड्स को सीडलिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बेसिक स्टेज होगी सीड सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सीडलिंग नर्सरी। अब जो चौथा स्टेज आता है कि आपने जहां लगाने हैं, जब सीडलिंग्स आपकी तैयार हो जाएगी तो आपने अपने गमलों में लगाने हैं, अपने बेड्स में लगाने हैं, वो जो स्टेज है। देखिए अभी हम लोग एक स्टेज पे चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में अभी तक टेम्परेचर डाउन हुआ नहीं है, तो हम लोग डिले हैं, बट कुछ लोगों ने सीडलिंग्स डाल दी होगी ऑलरेडी, कुछ अभी डालने की वेट कर रहे हैं। तो जो लोग वेट कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा वेट ना करें, सीडलिंग्स को मतलब सीड्स को इमीडिएट डाल दें, अब टाइम नहीं है आपको सीड्स को डिले करने का। और जो लोग सीड्स डाल चुके हैं उनकी सीडलिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। अब साइड बाय साइड देखिए, दो स्टेप्स हमारे साइड बाय साइड चलते हैं। पहला स्टेप सीड से लेके सीडलिंग जर्मिनेट करना, दूसरा जहां हम लोग लगा रहे हैं गमलों में या क्यारी में। तो जब तक हमारी सीडलिंग्स तैयार होती है नर्सरी में या गमलों में, जब तक हम लोगों को अपना बेड प्रिपेयर कर लेना चाहिए। हम लोगों को वेट नहीं करनी चाहिए कि अभी नर्सरी में सीडलिंग तैयार नहीं है, बेड हम बाद में तैयार करेंगे। 10 से 15 दिन आपकी सीडलिंग तैयार होगी, इस बीच आप अपने बेड्स को परफेक्टली तैयार कर लीजिए। बेड को डिगिंग आपने करना है, सोइल को टर्न अप करना है आपने, उसमें एडिशंस करने हैं आपने, उसमें से डेब्रीज निकालनी है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकालना है आपने, उसमें मैन्योर ऐड करना है। तो वो सारा प्रोसेस साइड बाय साइड चलना चाहिए। तो दोनों स्टेप साइड बाय साइड चलें, इधर हमारी सीड से सीडलिंग तैयार हो रही है, इधर हमारी बेड्स और पोर्ट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। डिटेलिंग में एक बार आपको इसके बाद बताता हूं। तो दो स्टेप हमारी पैरेलल चल रही है। अब जो इसके बाद हम लोगों को जो ध्यान रखना है, अब देखिए, अब मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसका मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि जो भी विंटर एनिमल्स हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो। जैसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आपके फूल जितने भी विंटर एनिमल्स हैं वो तीन कैटेगरी के, पहला जो फुल सन है, दूसरा सेमी शेड और एक शेड। तो कई बार लोगों को कंफ्यूज होता है कि जो शेड लविंग प्लांट्स है वो 100% शेड में चल जाते हैं। जैसे लोगों को बड़ा कंफ्यूज है कि साल्विया सिनेरिया पूरा शेडी प्लांट है, वो 100% शेड में नहीं चलता, उसको मॉर्निंग इवनिंग या कोई टाइम पे थोड़ी भी लाइट चाहिए। तो पहला क्लासिफिकेशन आपका हो गया सनलाइट, सेमी शेड और शेड। दूसरा जो क्लासिफिकेशन मेरा होता है कि हम लोग हाइट के हिसाब से कि स्मॉलेस्ट है एजिड प्लांट है, मीडियम हाइट है, स्मॉल हाइट है या टॉल प्लांट है, तो आप हाइट के अकॉर्डिंगली आप उनको कैटेगराइज करिए। इसके बाद आपका आता है कलर कि हर प्लांट का कलर कौन सा है, तो कलर वाइज आप अपना क्लासिफाइड करिए कि ये प्लांट्स पर्टिकुलरली व्हाइट है, ये रेड है, ये। तो आपका एक चार्ट बन जाएगा, जब भी आप अपना प्लान करेंगे अपने गार्डन में सीजनल्स लगाने का, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट किस हाइट का है और किस कलर का है और इसको कितनी सनलाइट चाहिए, फुल सन में है, सेमी शेड में है या हम लोग इसको शेड में डाल सकते हैं। ये तीन चार फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने होंगे अपने गार्डन में अच्छा ब्लूम लेने के लिए और परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन लेने के लिए। तो ये एक जनरल ब्रीफ हो गया आपको गार्डन में सीजनल्स को लगाने का। अब मैं डिटेलिंग पे आता हूं। डिटेलिंग में स्टार्ट करता हूं आपके सीड्स के साथ में। तो सीड्स को जब भी आप जर्मिनेट कर रहे हैं तो या तो आप अपना लगा चुके हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि सीड्स को सबसे पहले आपको फंगीसाइड से ट्रीट करना चाहिए। देखिए यहां पे कई लोगों की बात हो जी हम तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हमको आप ऑर्गेनिक बताइए। फ्लावर्स आपका डेकोरेटिव पॉइंट है, आप चाहे तो इसको केमिकली ट्रीट कर सकते हैं, जिनको नहीं करना हो कोई खास बात नहीं है, बट मेरी एडवाइस है कि जो भी फ्लावर सीड्स आप नर्सरी में डालें उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट जरूर दें। उससे क्या होता है कि उसमें सीडलिंग में जो अर्ली स्टेज पे इंफेक्शन होते हैं वो नहीं होंगे। एंटी फंगल ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी फंगीसाइड यूज कर सकते हैं, वेल नोन है आपका बेविस्टीन, आप उसको यूज कर सकते हैं।
अब जो नर्सरी आप बना रहे हो, चाहे वो आप ट्रे में लगा रहे हो, चाहे आप गमले में लगा रहे हो या आप बेड में लगा रहे हो, नर्सरी का सोयल जिसमें आप सीड जर्मिनेट करेंगे, वो सोयल इसमें की रोल प्ले करता है सीड्स को जर्मिनेट करने में। मिट्टी ग्रेनुलर होनी चाहिए, छनी हुई दानेदार मिट्टी, पोरस होनी चाहिए। उसमें मीडिया, आप आजकल बड़ा पॉपुलर है कोकोबीट वर्मी कंपोस्ट, आप उसमें ऐड करिए। मतलब आपका जो सोयल मीडिया हो वो वाटर को होल्ड ना करे, उसका वेल ड्रेन होना चाहिए, वो मॉइस्चर रखे, पानी नहीं रखे। यदि उसने पानी होल्ड करना स्टार्ट कर दिया तो सीड्स की जर्मिनेशन कम हो जाएगी। आप जब भी उसको पानी लगाएं, पूरा मीडिया गीला हो गया और बाकी पानी निकल गया, ये परफेक्शन होगा आपका सीड जर्मिनेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नर्सरी के लिए जो भी आप सोयल मीडिया लें बड़ा सॉफ्ट हो, उसमें एनरिच आपका न्यूट्रिशन हो, मतलब आप या वर्मी कंपोस्ट मिलाए, लीफ मोल्ड मिलाए, जो भी आपके पास खाद है वो अच्छी खासी खाद उसमें होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, सीडलिंग हेल्दी होगी। ये मीडिया, इसमें आपको सीड्स डालने हैं। अब सीड्स जब डालेंगे तो मैंने क्या बोला, पहले आप उसको फंगीसाइड से ट्रीट करिए। ट्रीट करने के बाद आप सीड्स को ट्रे में, गमले में या बेड में जब आप डालते हैं, तो जो लोग डाल चुके हैं उसके अलावा जिनको डालना है, देखिए इसके लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी रिलीज किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, हाउ टू जर्मिनेट द विंटर सीजनल। आपको क्या करना है कि टॉप लेयर पे सीड्स को स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल करके उसको कवर कर देना उसी मीडिया से। तो कवर इतना करना है कि सीड सिर्फ कवर हो जाए, बहुत ज्यादा सोयल मीडिया डालना नहीं है। और आपको पानी सिर्फ वाटर कैन से झारे से डालना है, पानी भरना नहीं है, उसको मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट करने के बाद आपको जितने भी सीड्स आपने डाले हैं उनको आपको कवर कर देना चाहिए पेपर से और पॉलिथीन से। फर्स्ट थ्री डेज, पहले तीन दिन आप टोटल कवर रखिए उसको। जब आपने मॉइस्चर एडिक्वेट डाल दी, तीन दिन आपने मॉइस्चर उसको कवर कर दिया, उस मॉइस्चर से सीड्स के एम्ब्रियो ओपन हो जाते हैं, सीड जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तीन दिन के बाद आप देखें पेपर को और आप पॉलिथीन की कवर को हटाइए, फिर आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी में हल्का सा ड्राइनेस आ रहा है जो टॉप लेयर है। अगेन आपको हल्की सी मॉइस्चर उस पर मिस्ट से डालनी है, प्रेशर से नहीं डालना, आपने पाइप से या किसी डब्बे से या बकेट से नहीं डालना, आप वाटर कैन ले जिसमें जिसको बोलते ना कि झारा, उससे आप उसको स्प्रिंकल करिए ताकि मॉइस्चर उसके टॉप लेयर पे अच्छे से नमी हो जाए। उसके बाद आपने उसको सेमी शेड में रख देना है, किसी ओपन जगह में जहां डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, वहां पे आप रखिए। आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन में आपका ऊपर का सोयल क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके एम्ब्रियोज निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्टेज बड़ी क्रूशियल स्टेज होती है, अगेन वाटरिंग। उस स्टेज पर भी आपको सिर्फ छींटे मारने, पानी का स्प्रिंकल करना है, मॉइस्चर रखनी है, पानी भरना नहीं है। आप मॉइस्चर रखेंगे, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, सीडलिंग्स आपकी अच्छी होंगी। उस स्टेज पे आपको लोअर लेवल पे कवर नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे अभी आपकी बहुत तेज धूप है, आप थोड़ा ऊपर करके छाया में रखिए और उस सीडलिंग्स को आप वेट करिए। ये सीडलिंग्स नॉर्मली इस मौसम में मैक्सिमम 10 से 12 दिन में आपकी अच्छी खासी जर्मिनेशन हो जाएगी। कुछ सीडलिंग्स होंगे जिनको 15 दिन लगेगा। तो ये जो टाइम है आपका, ये टाइम आपका बेड प्रिपरेशन का साथ साथ चलना चाहिए। अगेन सीडलिंग्स जब आप जर्मिनेट करते हैं, अक्सर मैंने देखा कि सोयल मीडिया में ही जब आप सीड्स जर्मिनेट करते हैं उसी में लोग नीम खली बोन मील डीएपी सब डलवा देते हैं। मैं उसको एडवाइस नहीं करता, हो सकता है किसी का अपना प्रैक्टिस हो डालते हो। सीड्स के लिए सिर्फ एनरिच्ड कंपोस्ट सोयल बेस्ट होती है सीड्स को सीडलिंग्स में ट्रांसफर करने के लिए। जब हम लोग सीडलिंग को बेड में और गमले में ट्रांसफर करते हैं, वो मीडिया थोड़ा सा मोर एनरिच होना चाहिए, उसके लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो यह प्रोसेस आपका इधर चल रहा है, सीडलिंग्स आपकी तैयार हो रही है। सीडलिंग्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो दिल्ली में आती है कि सीडलिंग 8 दिन के 10 दिन के बाद जब तैयार होती है 1.5 से 2 इंच का, उसके बाद उसमें डैम्पिंग ऑफ स्टार्ट हो जाता है। अक्सर लोगों की कंप्लेंट आती है, साहब पौध मेरी बहुत अच्छी तैयार हुई, ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि पौध गिर गई है, पौध विल्ट हो गई है, नीचे गिर गई है। ये कंप्लेंट बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। तो मैं कहना चाहता हूं ये कंप्लेंट प्लांट की नहीं है, ये हम करते हैं उसको। उसका दो रीजन है, गलती से यदि आपने वाटर डाला बकेट से या डब्बे से पाइप से, तो पानी का फ्लो बड़ा तेजी से होता है। जब पानी फ्लो तेजी से करेगा, सीडलिंग बड़ी नाजुक प्लांट होती है, वो पानी के फोर्स को बर्दाश्त नहीं करती, सीडलिंग डैम्प ऑफ हो जाती है। तो एक तो आपको पानी का ध्यान रखना है, सेकेंडली कई बार आपका माली एडवाइस करता है कि सीडलिंग बहुत अच्छी होगी, उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दो। मेरे को लास्ट टाइम किसने बोला जी, माली ने हल्का सा हमको एनपीके और डीएपी उसका यूरिया का स्प्रे करवा दिया, सीडलिंग हेल्दी होगी।
तो नॉर्मली मैं एडवाइस नहीं करता कि सीडलिंग की स्टेज पे आप कोई स्पेस स्प्रे करें। आप सीडलिंग को जो आपने मीडिया दिया वो बहुत अच्छा मीडिया है, उसमें सीडलिंग बहुत अच्छी जर्मिनेट होगी। तो ये मेरा प्रोसेस सीडलिंग बनने का बिल्कुल सेपरेट है, आप सेपरेट रखिए। इधर जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, बेड में आपको खास बात ध्यान रखनी, आपको पूरा परफेक्टली टिल्ट करना है। जितना मैक्सिमम आप मिट्टी को पलट पाए, जितना उसको टिल्ट कर पाए, उतनी सीडलिंग्स आपकी हेल्दी वहां पे ट्रांसफर होंगी। यदि आपने उसको टिल्ट नहीं किया तो सोयल में क्लोट्स रहेंगे, सोयल सॉफ्ट नहीं होगी और सीडलिंग्स की रूट्स अच्छे से नहीं जाएंगी। सेकेंडली, जब आप बेड या गमला तैयार करें उसको एम्बिश, उसको अच्छा खासा एम्बिश करिए कंपोस्ट के साथ। और जब कंपोस्ट आप मिलाएं उस समय आप उसमें डीएपी यूज कर सकते हैं। बाकी जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, नीम, खली, बोन मिल, वो बाद में आप ऐड करिए, इनिशियली आपको ऐड नहीं करना। इनिशियली आप अपनी गमलों में या अपनी क्यारी में जितना एम्बिश आप गोबर खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं उतना आप उसको करिए। अब देखिए, अब इसको आप थोड़ा गौर करिए, जब आप इधर सीडलिंग्स के लिए बेड तैयार कर रहे हैं या गमले तैयार कर रहे हैं, तो बेड्स को जब आप टिल्ट करते हैं, आपने उसमें मिट्टी भर दी, उसी स्टेज पे आपको अगेन, जैसे आपने सोयल मीडिया में फंगीसाइड डाला है सीडलिंग्स के लिए, सीड्स को फंगीसाइड से ट्रीट किया है, उसी तरीके से बेड्स को और जो मीडिया आपका गमले का है उसमें आप फंगीसाइड जरूर डालिए। बिकॉज दिल्ली एनसीआर में हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है फंगस की, और फंगस प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, फंगस उसको डेवलप नहीं होने देता, तो आपको फंगीसाइड जरूर डालना है। बैट्स में इनकेस आपके इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम हो, लाइक बहुत सी जगह होता है टर्माइट्स अटैक होता है, यदि टर्माइट का आपको डाउट है तो एंटी टर्माइट सॉल्यूशन भी आप सीडलिंग ट्रांसफर करने से पहले अपने गार्डन सोयल में, अपने सोयल मीडिया में जरूर मिला दें। यह प्रिकॉशन आपको रखना है टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। अब जब आपने मिट्टी को टिल्ट कर दिया, अच्छी खासी खाद मिला दी, आप उसको एक बार वाटर से फ्लड कर दीजिए। जैसे आपने मिट्टी को पलट दिया, तीन चार दिन आपने उसको ड्राई रखा, फिर आपने गोबर खाद मिलाई, उसको टिल्ट कर दिया, उसके बाद आप एक बार उसको फ्लड कर दीजिए। फ्लड करने के बाद आप एक दिन उसको ड्राई करिए, उसके बाद फिर आपको टिल्ट करना है, टिल्ट करके आप उसको ड्राई कर दीजिए। ये प्रोसेस देखिए, अब आप दोनों साइमल्टेनियसली देखेंगे तो इधर हमारे सीड से सीडलिंग तैयार होने में 8 से 10 दिन लग रहे हैं, इधर सेम चीज हमारी बेड को तैयार होने में 8 से 10 दिन लग जाएंगे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब आपकी सीडलिंग ट्रांसफर लायक हो जाए, इधर हमारी बेड तैयार है। अब आपने क्या करना है कि अपने बेड्स में सीड्स को ट्रांसफर करना है, सीडलिंग्स को ट्रांसफर करना है। अब अगेन इसमें देखिए, जिनके पास गमले हैं गमलों में ट्रांसफर करेंगे, जिनके पास बेड्स हो बेड्स में ट्रांसफर करेंगे। अब आपको अपने गार्डन का, अपने सारे पोर्ट्स का यह ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया लिटअप है, किस जगह मैक्सिमम सनलाइट है, किस जगह मॉर्निंग सनलाइट है, किस जगह आफ्टरनून सनलाइट है, कहां हमारी डे सनलाइट है और कहां हमारी सनलाइट नहीं है। ये फैक्टर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, अदरवाइज आप इस फैक्टर को ध्यान नहीं रखेंगे और आपने सीडलिंग ट्रांसफर कर दी तो जो प्लांट्स शेड लविंग है, लेस सनलाइट है, आपने उसको मैक्सिमम सनलाइट में डाल दिया, वो प्लांट ग्रो नहीं होगा, या जो सनलाइट वाला है आपने उसको शेड में डाल दिया तो वो ग्रो नहीं होगा, आपकी सारी मेहनत बेकार होगी। तो पहला फैक्टर आपको सनलाइट देखना है। दूसरा, जो भी बेड आप बनाते हैं, बेड को आप कोशिश करिए उसमें पानी ना रुके, उसका ड्रेनेज अच्छा हो। और जब भी आप सीडलिंग ट्रांसफर करेंगे बेड के अंदर, तो क्या होगा कि जब आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद आप मिट्टी से सीडलिंग्स को थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए। आपने यदि फ्लैट ब्लेड में लगाना है तो आप सीडलिंग्स लगाइए, स्पेसिफिकेशन एज पर सीडलिंग्स डिफरेंट डिफरेंट साइज की अलग होगी, वो मैं भी आपको बता देता हूं, लेकिन हर सीडलिंग को आप कोशिश करिए थोड़ा सा मिट्टी से सपोर्ट कर दें। उससे क्या होगा, जब आप पानी लगाते हैं, कई बार आपने सीडलिंग लगाई और पानी आपने डाला तो उसके नीचे की मिट्टी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, सीडलिंग गिर जाती है, उसकी रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं। तो कोशिश करिए हर सीडलिंग को थोड़ा सा मिट्टी से पाइल अप कर दीजिए, सो दैट उसको सपोर्ट मिल जाए और उसको पानी मिले और सीडलिंग ड्रॉप अप नहीं हो। ये आपने प्रिकॉशन रखना है। एक चीज छोटी सी जो मैं अक्सर करता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं, जब भी आप सीडलिंग ट्रांसफर करें, एक वायबल स्टेज पे सीडलिंग ट्रांसफर करें, प्री मैच्योर सीडलिंग्स को कभी भी ट्रांसफर ना करें। वायबल स्टेज का मेरा मतलब है कि सीडलिंग जब निकलती है उसमें जो लीव्स आती हैं, लीव्स जो अर्ली लीव्स होती हैं वो मैच्योर नहीं होती। जब आपको लगे कि उसके लोअर लीव्स मैच्योर हो गई हैं, आपका लीव्स 8 से 10 पत्तियां आ गई हैं और सीडलिंग ट्रांसफर लायक है, उसका स्टिग्मा जो उसका स्टेम है वो व्हाइट, मिल्की व्हाइट से थोड़ा सा डार्कर हो जाए, स्टेबल हो जाए, मींस वो स्टेज आपकी तैयार है ट्रांसफर करने के लिए,
आपने प्री मैच्योर सीडलिंग ट्रांसफर कर दी, वो उसमें मैक्सिमम कैजुअल्टी होगी, उसको आप बचा नहीं पाएंगे, तो मैच्योर सीडलिंग्स को आप ट्रांसफर करिए। दूसरा जो मैं अक्सर मैं आपको टिप देता हूं, जब आप सीडलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं बेड में या गमलों में, आप ट्रांसफर करने से पहले यदि उसका एपेक्स, टॉप एपेक्स, उसका एक दो पत्ते जो होते हैं टॉप एपेक्स, यदि आपने उसको पिंच कर दिया और सीडलिंग ट्रांसफर करी, तो फॉर श्योर आपकी सीडलिंग जर्मिनेट होगी, आपकी सीडलिंग अच्छा सेटल होगी और वो सर्वाइव करेगी, उसमें विल्टिंग नहीं होगी। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप सीडलिंग को ट्रांसफर करते हैं उसका एपेक्स टिल्ट हो जाता है, और वो कुछ सीडलिंग्स उसमें से, जरूरी नहीं सब हो, कुछ सीडलिंग्स उसमें कैजुअल्टी हो जाती है, कुछ सीडलिंग्स वापस अपना रिवाइव कर लेती हैं। यदि आपने एपेक्स को पिंच कर दिया और फिर आपने लगाया है, तो वो सीडलिंग कभी भी कैजुअल्टी नहीं होती। ये मेरा प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं करता हूं गमलों के लिए भी और बेड के लिए भी। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपकी सीडलिंग्स हैं जब आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि गमलों के लिए स्पेशली जो आप पोर्ट कल्चर में करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे गमलों में हमने एक एक गमले में दो या तीन या चार पांच हम लोग लगाते हैं गमला भरने के लिए। आपका यदि आपको लगाना है पर्टिकुलर एक वैरायटी को 10 गमलों में, तो आप जब अपनी नर्सरी से सीडलिंग्स को ट्रांसफर कर रहे हैं गमलों के लिए, तो आप सब 10 गमलों में एक साथ मत लगाइए। आपने क्या करना, 10 गमलों की सीडलिंग सिर्फ 2 गमलों में ट्रांसफर करिए नर्सरी से। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने टैगेट्स या जाफरी के प्लांट शिफ्ट करने, आपको एक गमले में 5 सीडलिंग्स लगानी है, 10 गमलों में आपको 50 सीडलिंग्स लगानी है, तो मैं कहूंगा कि आप एक गमलों में 20 सीडलिंग्स लगाइए, 3 गमलों में आप 60 सीडलिंग्स लगा दीजिए। 10 दिन के बाद उनको आप स्प्लिट करिए, उनमें से बीच बीच में से निकाल के आप दूसरे गमलों में डालिए। उससे क्या होगा, जो सीडलिंग्स रिट्रांसप्लांट होती है वो वेल ग्रोन होती है और रिजल्ट बढ़िया देती है। जैसे हम लोग स्टेजेस पे लगाते हैं, पहले सीडलिंग जो हम लोग 4 इंच के गमले में लगाएंगे, फिर 6 इंच के, फिर फाइनल गमलों में लगाते हैं, तो वो स्टेज, इनकेस वो स्टेज आप नहीं ले सकते हैं, तो आप अपने गमलों में ट्रांसफर करिए और उसी में से निकाल के फिर आप दूसरे गमलों में लगा दीजिए। यदि आपने ये प्रोसेस किया तो सीडलिंग जब ट्रांसफर होती है, 2 या 3 बार यदि सीडलिंग ट्रांसफर हो गई, तो सीडलिंग्स की ग्रोथ और उसका रिजल्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा बेटर आता है, बजाय कि हम लोग सीडलिंग को एक बार लगा दें वही उसको नरिश करें। यदि हम लोग रूट्स को अपरूट करके दोबारा लगाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, प्लांट हेल्दी बनता है और फ्लावरिंग ज्यादा आती है। उसके 2 बेनिफिट है, जब आप उसको निकालते हैं सीडलिंग को ट्रांसफर करने के लिए, तो एक तो आपको रूट पता चल जाती है, रूट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रूट हेल्दी है, प्लांट आपका हेल्दी है। इनकेस रूट में कोई डिजीज है, कुछ लगा हुआ है गमले में नीचे कुछ है, तो वो भी आपको दिख जाएगा, तो आप उसको ट्रीट कर सकती है, तो उसका डबल बेनिफिट है, आपको क्योर भी हो गई और आपके प्लांट भी अच्छा नरिश होता है। अब आप देखिए, अब इस स्टेज पे जब आपने अपने प्लांट्स को सीडलिंग्स को ट्रांसफर, उसके बाद जब आप सीडलिंग्स को ट्रांसफर करके गमलों में लगाएंगे, तो 1 वीक के बाद, मींस हमारा सीड से लेके और जो मैं स्टेज बता रहा हूं वो 22 से 25 दिन का स्टेज हो गया, उस स्टेज से अब आपको सीडलिंग्स को टॉप अप नरिशमेंट करने, टॉप अप नरिशमेंट में अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि जो मीडिया आप लगा रहे हो उसमें अच्छा खासा एनरिच आप कंपोस्ट डालिए, डीएपी डालिए। अब टॉप अप में जो हमको एक्स्ट्रा फीड चाहिए, जैसे आपके पास सरसों की खली होती है, बोन मील होता है, और मैक्सिमम जो पॉपुलर आजकल है जी, हम बायोविटा दे रहे हैं और एनपीके डालेंगे, अब इनका नंबर आता है आपको फीड करने का। उस स्टेज पे आप देखिए, उस स्टेज पे आपको कंपोस्ट के साथ में नीम खली, बोन मील और आपका सरसों की खली, इनको आपको एज नीड, मतलब आपकी बेड है गमला है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें प्रोपोर्शनल मिक्सचर करना होगा। वो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप उसको पाउडर फॉर्म में बना के गमले में मिला सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, या आप उसको लिक्विड बना के लिक्विड मैन्यूरिंग कर सकते हैं। और जो आपका एनपीके है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनको आप सीडलिंग्स के ऊपर, क्योंकि अब आपकी सीडलिंग ट्रांसफर होने के बाद सेटल हो चुकी है, नर्सरी से गमले में गई, गमले से आपके बेड में गई, वो सेटल हो चुकी है, उसने रूट डेवलप कर ली है, वो स्टेबल है, उस स्टेज पे क्योंकि वो उसका बेबी स्टेज है, उस स्टेज पे आप उसको फॉलेज स्प्रे, मतलब आप उसको न्यूट्रिशंस दे सकती हैं, वहां से आप अपना स्प्रे करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एनपीके, आप इसमें एनपीके मतलब 0.5%, मतलब आपका यदि 5 लीटर पानी है तो आप 2.5 ग्राम के करीब एनपीके डालिए, वो आप इस पर स्प्रे करिए 19-19-19 वाला, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और
ग्राउंड में आपको नीम खली, बोन मिल, सरसों की खली आपको एम्बिश करना है। तो ये स्टेज है जब आपने स्टार्ट किया। अब आपकी स्टेज पे आपकी सीडलिंग ग्रो करना स्टार्ट होगी। इस स्टेज के बाद देखिए, मैंने आपको बोला जब आपने ट्रांसफर किया आप उसको पिंच करना है। इस स्टेज में आपकी सीडलिंग एक वायबल स्टेज फॉर्म पे आ चुकी होगी। अब वैरायटी टू वैरायटी आपको प्लांट को पिंच करते रहना सो दैट आपका हेल्दी प्लांट मिले और प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो। जितनी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उतने उसमें बडिंग ज्यादा आएगी, उतना फ्लावरिंग ज्यादा होगा। आपने पिंचिंग नहीं की होगी तो प्लांट लीनर ग्रोथ करेगा, प्लांट अपवर्ड्स बढ़ेगा। इसलिए आप उसको पहले उसका स्टेम और वेजिटेटिव ग्रोथ अलाउ करिए, उसके बाद उसका फॉलेज अलाउ करिए। उससे आपका प्लांट का करेक्टर और प्लांट का स्प्रेड बढ़ेगा और आपको फ्लावरिंग ज्यादा होगा। हमारा पर्पज होता है मैक्सिमम फ्लावर लेना, तो ये हमारा बेसिक चीज है। आप देखिए, अब इसके साथ मैं आपको दो तीन टिप्स और देता हूं। अब जब आप पिंच कर रहे होते हैं फ्लावर्स को, तो अब आपको जब प्लांटिंग आप करेंगे, मैंने स्टेज में आपको क्लासिफिकेशन में टाइम पर बताया था, आपको हाइट और कलर का ध्यान रखना है। आपको जो सबसे आगे प्लांट है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका एलिसम है या आपका वायला है, पेंजी, सबसे आगे रहेंगे क्योंकि ये बॉर्डर प्लांट है। इनकी हाइट आपकी 6 से 9 इंच रहेगी। इसके पीछे आपका 1 फीट वाला प्लांट है, 1.25 फीट वाला प्लांट है, आपके जरबीराज हैं, आपके कैंडिटॉफ्स हैं, उसके पीछे उससे हाइट वाला प्लांट है आपका, जैसे फ्लोक्स है आपका, आपके वर्बिना है, उसके पीछे बड़ी हाइट का प्लांट होगा आपका, स्नैप ड्रैगन होगा आपका, और पीछे आगे होलियोका का। तो आपको हाइट के हिसाब से आपको बेड में प्लांटिंग करनी है। कई बार मैंने देखा कि आप प्लांटिंग कर देते हो एट रेंडम, पता चलता है कि जो हाइट वाला प्लांट है वो आगे आ गया, पीछे चला गया लो हाइट वाला। तो आपको वो जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था हाइट के हिसाब से, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कलर स्कीम, जहां आप कलर लगा रहे हैं व्हाइट रेड, तो आपको कलर को ब्रेक करना है। आपने व्हाइट आगे बॉर्डर लगाया, उसके पीछे भी आपने व्हाइट हाइट पे लगा दिया, तो आपका उतना एक जो आना चाहिए वो गेटअप नहीं आएगा। तो हमेशा आप कलर को कॉन्ट्रास्ट में लगाइए। आगे आपने फ्रंट में व्हाइट बॉर्डर ली, पीछे आप डार्क कर लीजिए, फिर उसके पीछे आप लाइट कलर ले सकते हैं। तो कलर स्कीम आपको इस तरह से करनी है। एक दो चीजें जो अक्सर हम लोग गलत कर जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिकली इन प्लांट्स के साथ ग्राउंड में बेड में हम लोग अवॉइड करते हैं लगाना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने विंटर एनल्स का अच्छा खासा ब्रेड बना रखा है, जिसमें आपने सारी वेराइटीज ले रहे हैं, आप पेंजी ले रहे हैं, पिटूनियाज ले रहे हैं, फ्लॉक्स ले रहे हैं, वर्बिना ले रहे हैं, इन बिटवीन उसके बीच में कई बार अक्सर हम लोग डहेलिया डाल देते हैं या हम लोग इसमें गुलदाउदी डाल देते हैं। मैं इस चीज को एडवाइस नहीं करता, उसका मेरा अपना रीजन हो सकता है। बिकॉज अभी क्या होगा कि आपने उसके बीच में गुलदाउदी अभी ब्लूम पे आने वाली है, आपने इधर सीडलिंग ट्रांसफर की कि ये बढ़ेगा, गुलदाउदी थोड़ा ब्लूम पे आपने वो डाल दिया, क्या होगा वो पर्टिकुलर गुलदाउदी वाला एरिया बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, फिर आप उसको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए आपके फिर गैप आ जाएगा, जो सीडलिंग आपने अब डाली और बाद में डालेंगे उनके बीच में गैप रहेगा। तो वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ लोग बीच में डहेलिया डाल देते इन बिटवीन, तो मैं वो भी एडवाइस नहीं करता। आपको डहेलिया एक बेड बनाना चाहिए या एक पर्टिकुलर एंगल पे लेना चाहिए, इन बिटवीन आपको ये चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ में उनका कॉम्बिनेशन, या तो आपने एक परफेक्ट स्कीम बना के उसको लगाया कि ये जैसे ही मेरी गुलदाउदी खत्म होगी मेरा बैकअप तैयार है, उस बैकअप को मैं इसमें फिल कर दूंगा, तो आपका परफेक्ट है। अदरवाइज वहां पे आपका गैप आएगा, आपके फ्लावर्स में इंबैलेंस रहेगा। तो ये कुछ चीजें आप अवॉइड करिए। एक दो चीजें ऐसी हैं, जैसे आपका स्वीट पी, स्वीट पीस को हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे लगाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपका बहुत अच्छा खासा फ्लावर बेड बन रहा है और आपने स्वीट पीस ऐसी जगह लगा दी, उसकी वजह से बाकी सारे फ्लावर्स को शेड मिल रही है या वो कवर हो जाते हैं। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट आप मत करिए, बेड प्लानिंग मत करिए। प्लानिंग आप करिए हाइट, कलर और उसकी सनलाइट के अकॉर्डिंग, सो दैट आपका जो भी बेड बने, जो भी आपका फ्लावर्स आए, वो परफेक्ट फ्यूजन में आए और एक परफेक्ट कलर दें और एक टाइम ड्यूरेशन दें। अब एक जो मेन आप लोगों का अक्सर सवाल होता है, आज भी होगा, कि कुछ प्लांट्स बहुत जल्दी ब्लूम कर जाते हैं, जो एक और क्लासिफिकेशन मेरा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपका एलिसम है या आपका कैलेंडुला है, आपके सीडलिंग्स बड़ी जल्दी तैयार होंगी और ये बहुत जल्दी ब्लूम भी करना स्टार्ट कर देगी। नवंबर में इसका ब्लूम स्टार्ट भी हो जाएगा, बाकी कुछ दिसंबर में होंगे, बाकी आपका जनवरी में जाके ब्लूम होगा। तो अक्सर आप लोगों का ये सवाल होता है कि बाकी प्लांट ब्लूम करते हैं सेकेंडरी स्टेज के, उससे पहले हमारी जो बॉर्डर होती है
जिसमें एलिसम है पेंजी, वो पहले फूल खिल के और पक जाता है तो हमारा आगे की बॉर्डर खाली हो जाती है, या वो पीछे वाला ब्लूम करेगा उससे पहले ये ब्लूम करके आता, तो हमारा एक साथ ब्लूम नहीं आता। अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है एलिसम और कैलेंडुला में, ये सबसे पहले ब्लूम होता है। तो देखिए एलिसम के लिए क्या है कि अब आप सीडलिंग्स लगाएंगे, नवंबर एंड में ब्लूम करना स्टार्ट कर देगा, इनिशियली एक दो आपके फूल आना शुरू हो जाएंगे। आपको इनिशियली ब्लूम पे कोई भी लालच नहीं करना, आप उसको कैंची लेके कट करते रहिए, कट करते रहिए, आप उसको जनवरी तक कट करते रहिए, 10 जनवरी तक आप उसमें ब्लूम आने ही मत दो। आप देखेंगे 15 जनवरी के बाद जब बाकी फ्लावर्स खिलना स्टार्ट होंगे, उस समय एलिसम आपका बुके ऑफ स्टार्स पूरा सफेद बर्फ की तरह होगा, उसमें पत्ते दिखेंगे ही नहीं। इसी तरह आप कैलेंडुला को, कैलेंडुला की अर्ली ब्लूमिंग आप अलाउ ही मत करिए, जैसे ही वो बड बनाता उससे पहले आप कट करते रहिए, आप देखेंगे उसका फॉलेज बहुत बढ़ जाएगा और जैसे ही मौसम आएगा जनवरी मिड का आपका कैलेंडुला भी परफेक्टली ब्लूम करेगा। तो जो अर्ली ब्लूम फ्लावर है यदि आपको नवंबर दिसंबर में उनके साथ नहीं लेना तो आप उसको कट करते रहिए। और आपने यदि डबल लेयर बना रखा है, डबल लेयर से मेरा मतलब है कि आपने नवंबर दिसंबर में भी ब्लूम लेना है और जनवरी में ब्लूम लेना है, आपने बैकअप बना रखा है तो आप उसको ब्लूम करिए, जो बैकअप है आप उसको कट करते रहिए। जैसे आप इसको बेड को खाली करेंगे आप अपना बैकअप से फिल कर दीजिए, सो दैट जो आपका गमले का पैटर्न है या आपका जो बेड का पैटर्न है वो कंप्लीट रहे टिल मार्च, जब तक हमारा पूरा स्प्रिंग चलता है, पूरा बसंत चलता है, जब तक फूल खिलने चाहिए। बसंत में होता क्या, बाकी फूल खिलते हैं आगे वाली बॉर्डर हमारी खत्म हो चुकी होती है। तो आपको इसको पिंच करके, अर्ली ब्लूम को अलाउ नहीं करके आपको फ्लावर्स का पूरा पीरियड बढ़ा देना होता है। अब एक जो बहुत छोटी सी बात और है, देखिए इनिशियल स्टेज पे जैसे आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों मेन एलिमेंट्स होते हैं। इनिशियल स्टेज पे हमको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है बिकॉज प्लांट्स आपके ग्रोथ करते हैं, नाइट्रोजन आपका ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कोई भी हो वो आप इनिशियल स्टेज पे मिलाइए, उसको लेटर स्टेज पे सेकेंडरी स्टेज के बाद बंद कर दीजिए। मतलब आपने नवंबर के बाद नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना है या बहुत कम करना है। आपने उसके बाद भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज किया तो प्लांट इतना वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा कि उसका फ्लस डिले हो जाएगा, उसका ब्लूमिंग डिले हो जाएगा। तो आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इनिशियल स्टेज पे और मिड स्टेज तक यूज करने, उसके बाद यूज नहीं करने। उसके बाद आप फास्फोरस पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप यूज करिए, नाइट्रोजन मेजर यूज नहीं करना। आप चाहे तो एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं बिकॉज एनपीके मेरा कंट्रोल्ड है 19:19:19 वाला। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब हम ग्रोथ लेंगे प्लांट की तो आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ग्रोथ होने के बाद आप यदि ऐड करेंगे तो वो और ग्रोथ लेगा, वेस्टेड ग्रोथ लेगा, फ्लावरिंग की तरफ नहीं जाएगा, वो बड्स नहीं बनाएगा। बड्स बनाने के लिए उसको फास्फोरस पोटास और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये आपको प्रिकॉशन ध्यान रखना है। अब उसके अलावा कई बार ये आपका कंप्लेंट आता है कि प्लांट बहुत अच्छा है, ब्लूम कम आया या ब्लूम आया तो उसमें कलर बहुत अच्छा नहीं है, जो कलर आना चाहिए वो नहीं है। अगेन उसके दो तीन रीजन होते हैं, पहला रीजन सनलाइट जो मैंने आपको बताया, दूसरा रीजन आपका होता है कि जो कलर हमारा आता है वो पिगमेंटेशन की वजह से। यदि आपका कहीं पोटास की कमी रह गई तो आपका कलर डाउन रहेगा, फास्फोरस की कमी भी उसके साइज कम होगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि अगली स्टेज पे आपको फास्फोरस पोटास का अच्छा ध्यान रखना है, तो आपको बैलेंस डाइट ऑफ फास्फोरस पोटास अगले स्टेज पे आपको देनी है, सो दैट आपका फ्लावर साइज और उसका कलर परफेक्ट आए। अब एक छोटी सी टिप, अभी मैं जनरल बातें बता रहा हूं आपको, स्पेसिफिक चीजें जब आपको पूछनी होगी मुझे आप बताना। कई बार क्या होता है कि आपका फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई आपने अच्छा खासा वो ले लिया, जनवरी में स्टार्ट होना स्टार्ट आपका फ्लावर स्टार्ट हो गया, जो इनिशियल स्टेज के फ्लावर्स आपके खिलते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूं क्योंकि पिटूनिया हमारा बड़ा वाइल्ड स्प्रेड है, मोस्ट लवेबल प्लांट है, हाइब्रिड पिटूनिया आप मैक्सिमम लगाएंगे। जब पिटूनिया इनिशियली स्टार्ट होता है तो जो पूरा गमला भर गया, आपको चाहिए कि मेरा गमला लंबा चले या कोई भी फ्लावर का लंबा चले, तो जो फ्लावर पहले ब्लूम ओपन कर चुका है आप उसको मैच्योर्ड मत होने दो। कोई भी फ्लावर, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने पिटूनिया में बोला, आपका यदि आपका मैरीगोल्ड भी खिल रहा है या आपका गजेनिया खिल रहा है, तो जो फ्लावर पहले ओपन हो गया बाद में बर्ड्स ओपन हो रही है, तो जो फ्लावर आपका ओपन हो गया उसको आप उस पर प्लांट पे मैच्योर मत होने दो, उसको सीड स्टेज पे मत आने दो। यदि आपने उसको सीड स्टेज अलाउ कर दी
तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो आपका जो स्टेम है उसने मेच्योरिटी ले ली, वो सीड बन गया, मतलब उसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली, तो वो पर्टिकुलर ब्रांच फ्लावर प्रोडक्शन बंद कर देगी। तो जो भी फ्लावर आपका ओपन होता है आप एंजॉय करिए एक दो दिन, उसके बाद उसको प्लक कर दीजिए, सो दैट वो ब्रांच और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगी। जब तक प्लांट सीडलिंग स्टेज की सीड स्टेज की तरफ नहीं जाएगा वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता रहेगा। तो इसलिए फ्लावर्स को प्रोलोंग करने के लिए, लंबा करने के लिए जो भी फूल खिले आप उसको कट करते रहिए। अब आपका सवाल होगा कि हम फूल कट कर देंगे तो हमारा बीज कब बनेगा? तो सीड्स के लिए बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका गमले का बेड का एरिया है उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए पर्टिकुलर प्लांट्स को कि हमको इनको सीड बनाना है। उन प्लांट्स के अलावा बाकी फ्लावर्स को प्लक करते रहिए, उन प्लांट्स के फ्लावर्स को आप मैच्योर होने दीजिए, वो भी अर्ली मैच्योर की जरूरत नहीं, आपको जो पहला फूल उसकी मैच्योर की जरूरत नहीं है, जो आपका सेकेंड स्टेज के फूल आए उनको आप मैच्योर होने दीजिए, उनमें से सीड्स आप अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं, सारा वॉल्यूम आपको सीड कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा और लंबा फूल लेने के लिए एक बेसिक ट्रिप आपका ये हो गया, आप इसको करना है। अब एक जो मैं अक्सर यूज करता हूं, मैं अक्सर आपको क्लासेस में बताता रहता हूं कि जो भी फ्लावर्स आप प्लक करते हैं, जो भी फ्लावर्स आपने, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने भी मैरीगोल्ड प्लक किया, आपने कैलेंडुला प्लक किया और आपका भी गार्डन में फ्लावर्स चल रहे हैं, आप उन फ्लावर्स को फेंकिए मत, खासकर वो जिन फ्लावर्स में येलो कलर होता है, मैरीगोल्ड आपके कैलेंडुला जब पीले फूल, और देसी गेंदा फूल तो आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। ये जो येलो फ्लावर्स है, जो भी फ्लावर्स लें येलो स्पेशली, आप उस फ्लावर्स को फेंकिए मत, आप उस फ्लावर्स को डिप करके लिक्विड मैन्योरिंग बनाइए। और वो लिक्विड मैन्योरिंग, क्योंकि आपका बेड और फ्लावर्स ऑलरेडी अभी ओपन है, आप उसको लिक्विड मैन्योरिंग डालते रहिए, तो ये जो पिगमेंटेशन है इसका जो कलर है वो आपके प्लांट्स को मिलता रहेगा, आपका प्लांट और अच्छे फ्लावर्स कलर एनहेंस होगा, क्योंकि इसका जो पिगमेंटेशन है वो डायरेक्ट अवेलेबल है प्लांट्स को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको फूल फेंकना नहीं है, आपको इसको यूज कर लेना है, आप इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे फूल बहुत निकल रहे हैं, कितना लिक्विड मैन्योर बनाए, तो आप उसको कंपोस्ट बनाइए। नेक्स्ट सीजन में आपका जो फ्लावर का बना हुआ कंपोस्ट है वो आपके फ्लावर्स के लिए बेस्ट होता है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारी गुलदावरी का ये सब क्या होता है, मैंने अक्सर आपको बताया कि जितने भी फ्लावर वेस्टेज होती है मैं उनको कंपोस्ट में टर्न करता हूं, जितने भी फूल मेरे ऑफ सीजन में खत्म होते हैं सारे फ्लावर्स को हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, वो कंपोस्ट हम अपने फूलों के गमलों में, फूलों के क्यारी में डालते हैं। फ्लावर्स का कंपोस्ट फ्लावर्स को प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मैन्योर है, उससे बना हुआ फ्लावर कलर वाइज, साइज वाइज और उसका ओरा बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप इसको करके देखिए, मैं अक्सर यही करता हूं, तो आपको इसको यूज करना है। अब बेसिक्स कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इन फ्लावर्स में इनिशियल स्टेज पे, जैसे मैंने बोला आपको फंगिसाइड यूज करना है, जब आप बेड में ट्रांसफर करते हैं आप फंगस को बार बार रिपीट करिए। सेकेंडली कि हमारा इस दौरान सीडलिंग से लेके फ्लावरिंग आने तक जो हमारा 3 महीने का टाइम होता है, पूरा टाइम होता है, इसमें डिजीज ना लगे, इसमें प्लांट खराब नहीं हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अब मैं इस बात पे आता हूं। तो देखिए, पहली चीज ये है कि आप अपने प्लांट्स को बीमार मत होने दो, सीडलिंग्स को बीमार मत होने दो, ट्रांसफर करने के बाद प्लांट्स को बीमार मत होने दो, जब बीमार होंगे ही नहीं तो डिजीज आएगी नहीं। तो पहला स्टेज आपने सीड्स को ट्रीट किया, मैंने बोला था आपको फंगीसाइड से ट्रीट करना है। दूसरा स्टेज आपने बेड को ट्रीट किया, उसमें फंगीसाइड डाला, एंटीटर्माइट आपने डाला, अर्ली स्टेज। जब आप इसको ग्रोन करना स्टार्ट करते हैं उस समय अगेन आप प्रिकॉशनली कोई भी ऑर्गेनिक, चाहे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, इंसेक्टिसाइड जरूर स्प्रे करते रहिए। नीम ऑयल आपके पास है, मैं कुछ घरेलू ट्रीटमेंट आपको बताया तो जो अक्सर मेरा ट्रेड है, आप जितनी भी सीलिंग्स आप चाहे गमलों में लगा रहे हैं चाहे बेड में लगा रहे हैं, अर्ली स्टेज से ही जब आपने ट्रांसफर कर दिया, आप हल्के सोपी वाटर से जरूर वॉश करिए फॉयल स्प्रे, साबुन का पानी, नीम मिला के, नीम का तेल मिला के आप स्प्रे करिए, इन जनरल हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा प्लांट्स को और हेल्दी बनाने के लिए मैंने कई बार लिक्विड मैन्योर्स आपको बताए हैं, जिसमें एक मेरा बड़ा ट्रेड है कि वाइट विनेगर और लाइम जूस, इसको यदि आप स्प्रे करेंगे अर्ली स्टेज से सीलिंग ट्रांसफर करने के बाद, जब मैंने बताया ना 22 से 25 दिन का जो स्टेज आता है, उस स्टेज से यदि आपने वीकली स्प्रे करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे अपनी सीलिंग से मिरेकल, हेल्दी शाइनिंग लीव्स, वेल ग्रोन और कोई डिजीज नहीं, आप उसको स्प्रे कर सकती हैं।
और इनकेस इनकेस कोई डिजीज आती है तो आपको पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से स्प्रे करना है। इन जनरल मैं आपको बताता हूं, नवंबर में जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारे यहाँ मोथ्स आएंगे, ब्लैक मोथ्स जिसको हम लोग मोथा बोलते हैं, मतलब काला दाना जो आता है आपके प्लांट्स पे, खासकर गुलदाउदी में आएगा, आपके सीलिंग्स में आ जाएगा, जरबेरा में आएगा। उसके लिए जनरल कोई भी इंसेक्टिसाइड 1% सॉल्यूशन आप स्प्रे करेंगे आपके गार्डन से, वो मोथा वो आपका जो बग्स हैं जिसको ब्लैक बग्स आती है छोटी छोटी, वो निकल जाएंगे। कई बार हमको साथ प्रॉब्लम आती है कि लीव्स कर्ली हो जाती है सीडलिंग्स में, सब में प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ प्लांट्स में आती है। तो इसके लिए मैंने बोला फंगिसाइड आपको यूज करना है तो कर्ली वायरस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस आपको कहीं भी आपके बेड में किसी गमले में कोई भी इन्फेक्टेड सीडलिंग दिखती है, आप उसको शॉर्टिंग आउट कर दीजिए, उसको लालच मत करिए, बीमार सीडलिंग को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, जो इन्फेक्टेड हो गई उसको निकाल के बाहर फेंकिए और अपने गार्डन को। एक जो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगी स्पेशली आपके मैरीगोल्ड्स में और आपके रोजेज में, माइट्स की प्रॉब्लम आएगी, जाला, मकड़ी का जाला, व्हाइट आप देखेंगे व्हाइट पूरा कवर कर लेता है पत्तों को, व्हाइट फिश आ जाती है, ये माइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, खासकर जहां आप मैरीगोल्ड लगाते हैं। तो जहां भी माइट्स की प्रॉब्लम आए आपको अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लेना है। आप देखेंगे मैरीगोल्ड के आइपेक्स लीव कर्ल हो जाएंगे और मुड़ना शुरू हो जाएंगे, उसमें ऐसे लगेगा डस्ट लगी हुई है, मटमैला सा हो जाएगा, उसमें मिट्टी जमी हुई है, इस तरह का लगेगा। यदि वो सिम्टम्स आपको दिखते हैं आप इमीडिएट एक्रीसाइड कोई भी मकड़ी नाशक आप स्प्रे करिए। यदि आप वो स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका पूरा पौधा एकदम मकड़ी के उसमें कैप्चर हो जाएगा और उसको पूरे पौधे को विल्ट कर देगी और आपके साथ में बाकी प्लांट्स को भी इंफेक्शन चले जाएगा। तो मकड़ी आपका प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन जनरल इन प्लांट्स में कोई मेजर डिजीज नहीं आती है सीडलिंग्स में, आपके फ्लावर्स में मीलीबग जरूर आएगा, व्हाइट मीलीबग, इनकेस आपका मैरीगोल्ड और कैलेंडुला आपके गार्डन में ज्यादा है और आपके आसपास में हिबिस्कस लगा होगा तो मीलीबग का अटैक जरूर होगा। जहां भी आप मीलीबग देखें, बेस्ट तरीका है जिस एपेक्स में आप मीलीबग देखें उसको कट करिए, बाहर फेंक दीजिए, कट करिए, बाहर फेंक दीजिए, उसको आप डेवलप मत होने दो। इनकेस फिर भी आपको ध्यान नहीं दिया आपने, मीलीबग डेवलप हो गई तो मीलीबग के लिए मैंने कई बार आपको ट्रीटमेंट बताया है, आप उसको करिए। थायामैक्साकोम पाउडर फॉर्म में आता है, उसका आप स्प्रे करेंगे, मीलीबग निकल जाएगी। मीलीबग बाकी नुआन से, रोगोर से, किसी चीज से नहीं निकलती, थायामैक्साकोम से मिली निकलेगी। या आप सोपी वाटर यूज कर सकते हैं, उससे भी मीलीबग कुछ हद तक कम हो जाती है। तो प्रिकॉशन आपको ये लेने हैं। दूसरा क्या है कि गमले जो लोग गमलों में सीजनल्स लगा रहे हैं उनको इसी स्टेज से फ्रॉम डे वन जब आपने सीडलिंग्स को गमलों में ट्रांसफर कर दिया, आप कोशिश करिए गमलों को रोटेट करते रहिए, मैक्सिमम सनलाइट में उसको करते रहिए। यदि आप रोटेट नहीं करेंगे, पोजिशनिंग नहीं करेंगे तो गमला वन वे हो जाएगा, आप उसको रोटेट करेंगे तो गमले का पूरा फॉलेज बनेगा। ये एक अलग से आपको ध्यान रखना है। जो लोग ग्राउंड में लगाते हैं उनको स्टैकिंग मतलब प्लांट को सपोर्ट देना भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। जहां आपको जरूरत हो प्लांट को आप सपोर्ट जरूर दें, सपोर्ट आप नहीं देंगे तो आगे वाले प्लांट पे लीन कर जाएगा, आगे वाले प्लांट को दबा देगा, तो आगे वाला प्लांट भी डेवलप नहीं होगा, पिछले वाला प्लांट जो उसका एक ओरा आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो आपको स्टैकिंग जरूर करनी चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे जैसे सीडलिंग ग्रो करती है प्लांट बढ़ता है, आप उसको स्टैकिंग करिए, मिट्टी से उसको चढ़ाते रहिए। आप मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे, कई बार क्या होता है हमारे माली पाइप से पानी डालना शुरू कर देते हैं, जब पाइप का प्रेशर जाता है उसकी टॉप लेयर सोइल की कट जाती है, प्लांट गिर जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है सो दैट आपका प्लांट हेल्दी हो, परफेक्ट हो और बहुत अच्छा खिल के आए। तो इन जनरल हमारे सीजनल्स के लिए आपका एक जनरल टॉपिक हो गया। अब हम लोग स्पेसिफिक पे ले सकते हैं। विवेक जी, हम लोग स्पेसिफिक अब क्वेश्चन आंसर कर लें। हेलो, हाँ जी बोलिए मिश्रा जी। हाँ, मैं कह रहा हूं जैसे इन जनरल एक जनरल टॉपिक हमारा सीजनल्स का हो गया। अब क्योंकि स्पेसिफिक लोग पूछना चाहेंगे तो हम लोग उस पर स्टार्ट करते हैं सो दैट स्पेसिफिक लोगों को बताना शुरू करें, सबको पता चल जाए। नहीं सर, एक तो क्वेश्चन में आपका सजेशन तो ठीक है, बट स्पेसिफिक में जिस तरह की वो प्लांट्स कौन से एजिंग के लिए, हाँ वो बता देंगे। हाँ एग्जैक्टली, मैं इसी को मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। अब देखिए, अब हमको
अब हमको जैसे मैंने क्लासिफिकेशन आपको बोला कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हिसाब से प्लांट्स होते हैं। अब स्टार्ट हम करते हैं एजिंग प्लांट्स के साथ। एजिंग का जो सबसे लोएस्ट प्लांट है, मोस्ट पॉपुलर जो प्लांट हमारे यहाँ एजिंग के लिए है, वो दो या तीन प्लांट्स हैं। पहला एलिसम, व्हाइट एलिसम भी आता है और आजकल ब्लू एलिसम भी आता है, ये हम लोग एजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक आता है येलो कलर में मेट्रोकेरिया, जो बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन बड़ा बढ़िया प्लांट है, उसकी ड्यूरेशन कम है लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जो एजिंग का हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं वायला पेंजी, डबल पेंजी नहीं, वायला पेंजी को हम लोग एजिंग में यूज करते हैं। ये हमारे बेसिक प्लांट है। लोग कैंडिटप को भी एलिसम, कैंडिटप को भी यूज करते हैं, बट कैंडिटप हमारा सेकंड लेयर का प्लांट है। तो एजिंग के प्लांट आपके नॉर्मली दो या तीन ही वैरायटी है आपकी, एलिसम की दोनों वैरायटी है। हाँ, आजकल एक हाइब्रिड साल्विया आया है, ड्रॉप साल्विया, उसको लोग मैक्सिमम एजिंग में यूज कर रहे हैं बिकॉज वो ब्राइट रेड कलर में है। तो आप चाहे तो हाइब्रिड साल्विया एजिंग में यूज कर सकते हैं, और हाइब्रिड साल्विया सनी प्लांट है, हाइब्रिड साल्विया शेड में नहीं चलता, तो आप उसको भी एजिंग में यूज कर सकते हैं। एजिंग के बाद मेरी आती है सेकंड लेयर। एजिंग से मेरा मतलब होता है 6 से 9 इंच का। उसके बाद की जो हमारी सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के लिए देखिए आपके पास बड़ी वैरायटीज है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। स्टार्टिंग आपका व्हाइट में कैंडिटोफ हो गया, उसके बाद आपकी पेंजी है, आपके जर्बेराज हैं, आपके कैलेंडुलाज हैं, आपके ये गजेनियाज हैं, ये प्लांट आ जाते हैं। उसके बाद का जो लेयर है फिर हमारा थोड़ा हाइट में, हाइट के लिए आपके फ्लॉक्स वेल नोन है, वर्बिना आपका वेल नोन है, स्नैप ड्रैगन आपका वेल नोन है, ड्रॉप वाला डायंथस आपके वेल नोन है, ये कॉमन निमेशियाज आपके हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, ब्राचिकोमा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी फिर हाइट आती है, हाइट के अंदर आपका स्नैप ड्रैगन लंबा वाला प्लांट आपका आता है, आप लाक्स पर यूज कर सकते हैं। उसके पीछे जो लंबी हाइट आती है, लंबी हाइट में हमारे कॉस्मोस हैं, लाक्स पर आप सॉरी आपके होलियोक्स हैं। तो आप एक कैटेगराइज उसी हिसाब से आप करिए। अगेन कलर में आपको बता रहा हूं, कलर में जो है एक पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें मल्टी कलर है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। पिटूनिया को आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे यूज कर सकते हैं। पिटूनिया में तीन तरह की वैरायटीज बड़ी कॉमन है। एक होती है जो हम लोग इंडिजिनस वैरायटी बोलते हैं, जिसको क्रीपिंग वैरायटी बोलते हैं, जो व्हाइट और लाइलेक कलर आता है, जो सबसे लंबा चलता है, वो क्रीपिंग वैरायटी है। हाइब्रिड और मल्टी कलर, हाइब्रिड को आप फ्रंट रो में भी यूज कर सकते हैं और मीडियम में उसमें भी यूज कर सकते हैं। पिटूनिया के लिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग पिटूनिया यूज करेंगे, पिटूनिया का आप यदि अभी सीडलिंग्स लगा रहे हैं जिनमें फ्लावरिंग है, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद देखेंगे नर्सरी फ्लड हो जाएंगी पिटूनिया से, आप यदि वो सीडलिंग्स लगा रहे हैं तो आप उसका फ्लावर अभी अलाउ मत करें। यदि आपने उसका फ्लावर अलाउ कर दिया तो आप देखेंगे ये सीडलिंग दिसंबर जनवरी तक आते थे खराब हो जाएगी, आपको समय दोबारा लगाना पड़ेगा। तो जो भी सीडलिंग्स रेडी फ्लावर्स पे अभी आप लें, उनके फ्लावर्स को आप अलाउ ना करें। इसके अलावा इस विंटर में इन सीडलिंग्स के अलावा हमारे बल्क प्लांट बहुत हैं, आपके ग्लैडुलाइज की वैरायटीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैडुलाइज, डिफरेंट काइंड ऑफ बल्क प्लांट, वो आप जरूर इनकॉर्पोरेट करिए। बल्क प्लांट का डबल बेनिफिट है, आपका एक अलग से करेक्टर आता है, सेकेंडली आपको पता होता है कि उसमें कलर कौन सा है और उसकी ब्लूमिंग कब है। आप जब बल्ब लगाते हैं उसके एग्जैक्टली कब ब्लूम करता है उसका टाइम ड्यूरेशन आपको लिखा होता है। जैसे आपने ग्लैडुलाइज बल्ब लिया, आपने यदि स्कॉटलैंड वैरायटी ली, वो वैरायटी आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली 60 डेज में ब्लूम करेगी। आपने डच वैरायटी लिया, डच वैरायटी 45 डेज से 50 डेज में ब्लूम करेगी। अमेरिकन वैरायटी आपकी 70 डेज में ब्लूम करेगी। तो आप उनपे पैकेट पे आपको लिखा होगा, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करके उन प्लांट्स को लगा सकते हैं जितने भी आपकी बल्ब प्लांट्स हैं। तो आप एक कंपैक्ट स्कीम बना के इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन को बेसिकली एक अलग फील और अलग टच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ दीपा जी, अब सवाल ले सकते हैं हम लोग। हाँ जी सर, मैं जो अभी आए हैं क्वेश्चन, इसमें पहली बात तो सीड सोइंग पे ही है कि सीड सोइंग सीड बेड्स में, बेड्स में नहीं करी जा सकती, गार्डन बेड्स में, और उसके नहीं करी जा सकती, और उसके नहीं बिल्कुल कर सकते प्रोसीजर है। नहीं देखिए, मैंने पहले इसमें बोला कि सीडलिंग्स तैयार करने के लिए जो नर्सरी होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। नर्सरी आप गमले में भी बना सकते हैं, आप ट्रे में बना सकते हैं, या आप अपने गार्डन बेड में बना सकते हैं। आप एक एरिया अपने गार्डन का एज ए नर्सरी बना लीजिए, वहां आप सीडलिंग तैयार करिए और वहां से शिफ्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो नर्सरी
सनलाइट में होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी रेज होनी चाहिए सो देट उसमें कहीं फ्लडिंग नहीं हो और उसको आप केयर कर सके। आप उसी गार्डन को बना सकते हैं, लेकिन सीडलिंग का जो टॉप लेयर है वो परफेक्ट आपका ह्यूमस होना चाहिए, उसमें अच्छी कंपोस्ट होनी चाहिए। ओके अनु जी, आई होप आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर क्वेश्चन है मिस्टर अग्रवाला का, वो पूछ रहे हैं कि शुड सीडलिंग्स बी स्प्रेड विद फंजीसाइड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ जर्मिनेशन टू प्रिवेंट डैम्पिंग ऑफ। यस यस, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल। एज आई सेड अर्लियर कि आप सीड्स पे लगाएंगे तो फंगीसाइड लगा रहे हैं, आप सीडलिंग ट्रांसफर कर रहे हैं तो फंगीसाइड लगा रहे हैं, 20-25 दिन के बाद जब हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, मैंने बीच में बोला कि आपको फंगीसाइड को कीप ऑन कंटिन्यू करना है हर स्टेज पे, तो आप रूट्स में भी डालिए और आप हल्का उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, ये एडवाइजेबल है, करना चाहिए आपको। सर इसी से नेक्स्ट लिंक क्वेश्चन है, बागस्टिन या सास, दोनों में से बेटर कौन सा है? देखिए ओरिजिनल दोनों बेटर है, दोनों का अपना इफेक्ट है, दोनों इफेक्टिव है। जो भी मेडिसिन आप लें प्लीज ब्रांडेड लें और ओरिजिनल लें। प्रॉब्लम जो मुझे कई बार पता चलती है कि फेक मेडिसिन बहुत मिलती हैं, आप अपना पैसा खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं, इफेक्ट आता नहीं है। तो मैं एडवाइस करूंगा जब भी आप लें कंपनी आउटलेट से लें और ओरिजिनल मेडिसिन लें, आपका इफेक्ट दोनों का आएगा, दोनों परफेक्ट है। चलिए आई होप मिस्टर अग्रवाल आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अदर मेंबर्स आल्सो प्लीज राइट इन योर क्वेश्चन इन द चैट विच विल टेक अप। सर फिर वो जो था अपना ये है, स्वीट पीस शुड बी सोन इन C2 और कैन दे बी ट्रांसप्लांटेड? सी नाउ अडेज इट इज पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट बट ऑलवेज एडवाइजेबल टू डायरेक्ट सीड, ऑलवेज, बिकॉज ट्रांसप्लांट करने में आप संभाल नहीं पाते, इसलिए हम लोग स्वीट पीस के जो बेड होती है उसमें डायरेक्ट प्लांटिंग करना एडवाइजेबल है। करिए मिस्टर अग्रवाल, थर्ड क्वेश्चन आल्सो आंसर्ड। तब फिर पल्लवी पूछ रही है कि फ्री, आपने अभी पिंचिंग की बात करी थी कि जब आप सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं एक पॉट में तो उसकी पिंचिंग करिए, तो पूछने लगे कि पिंचिंग की फ्रीक्वेंसी बताएंगे। अच्छा अब आप देखिए, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने मेरी बात गौर से नहीं सुनी सुबह, अभी जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय प्रिकॉशनली ऊपर का पिंच कर देते हैं, तो पहली स्टेज आपकी हो गई। दूसरी स्टेज मैंने बोली जब सीडलिंग्स हमारी मतलब सेटल्ड हो जाए, मींस 20-25 दिन के अंदर वो सेटल हो गई, उस समय आपने पिंचिंग स्टार्ट करनी है। और पिंचिंग को आपने फ्रिक्वेंसी काउंट नहीं करनी, आपने प्लांट टू प्लांट आपको उसको वायबल स्टेज पहले उसकी वेस्टेड ग्रोथ तक ले जाना है। और ये पिंचिंग मैं एडवाइजेबल, मेरे तरफ से एडवाइजेबल है कि आप मिड दिसंबर तक जरूर करिए। इसमें 3 पिंचिंग हो सकती है, 4 पिंचिंग भी हो सकती है, कुछ प्लांट में 5 भी हो सकती है, कुछ में सिर्फ 2 हो सकती है, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे एलिसम का मैंने क्या बोला, दिसंबर तक आप कट करते रहिए, उसमें हो सकता है आपको 5 या 6 बार काट करना पड़े। तो ये प्लांट के लिए पिंचिंग को आप ये बात को समझिए कि हमको प्लांट को लीन नहीं लेके जाना, हमको उसको वेजिटेटिवली स्प्रेड करना है, उसका स्केल्टन बना करना है, ये पर्पज है। तो ये आपको प्लांट टू प्लांट आपको इन जनरल नहीं कि 6 पिंचिंग है तो सबको 6 बार पिंचिंग करना है, इसमें कोई काउंट नहीं करना है, आपने वायबिलिटी देखनी कि इस प्लांट को हमने पिंच करना है, आप पिंच करिए उसको, लीनर मत होने दीजिए सो दैट वो स्प्रेड करे और अच्छा ब्लूम ले। ओके पल्लवी योर क्वेश्चन आंसर्ड। सर अब पेटूनियास के बारे में एक क्वेश्चन ये आ रहा है, निशा जी पूछ रही हैं कि शी नीड मोर इंफॉर्मेशन ऑन ग्रोइंग पेटूनियास एज अ पेटूनिया नेवर ग्रो वेल, आइदर दे विल्ट आफ्टर गिविंग फ्यू फ्लावर्स और दे कम्प्लीटली डाई। और इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक 10-inch पॉट में कितनी पेटूनिया सीडलिंग्स लगानी चाहिए? 15 दिन के बाद आप नर्सरी पे देखेंगे पिटूनिया छोटे गमलों में, ये लोग वो खरीद के लगाते हैं, यदि ये वो करती हैं तो वो दिसंबर तक विल्ट होगा, खराब हो जाएगा, am I right? तो उसके लिए मैंने बोला yes or no? चलिए आता होगा सर, अभी उन्होंने वापस yes बोला नहीं। ओके तो बेसिकली अच्छा तो मैं बोल रहा हूं ना, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि ये जो सीडलिंग्स आ रही हैं विद ब्लूम, ये सारी की सारी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर से उन्होंने ग्रीन हाउस में पोली हाउस में तैयार करके आपके लिए भेजी हैं। अब हम उसको एक्मेटाइज करने से पहले हमने डायरेक्ट लगा दिया, अब उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो चुका वहां के हिसाब से।
तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि इनमें जो भी सीडलिंग्स आप खरीदते हैं लगा रहे हैं, इनके फ्लावर्स को अलाउ मत करिए। यदि आपने फ्लावर्स अलाउ कर दिया वो मैच्योरिटी पे आना स्टार्ट हो गया प्लांट, तो डेफिनेटली मरेगा वो। तो आपको उसके फ्लावर्स को अलाउ नहीं करना है, पिंच करते रहिए उसको, वेजिटेटिव ग्रोथ करिए। मींस आपने उसकी एनाटॉमी को डिस्टर्ब करना है, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ को दोबारा से प्रॉम्प्ट करना है। तो क्या होगा, दिल्ली के अकॉर्डिंगली दिसंबर के बाद आपको फ्लावर देना स्टार्ट करेगा और वो प्लांट मरेगा नहीं। और विल्टिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फंगस। वहां से जो प्लांट आते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, वो कोई ट्रीट नहीं करते, इसीलिए आपको उसमें फंगीसाइड डाल के, इंसेक्टिसाइड डाल के अपनी जमीन को तैयार रखना है, फिर आपकी सीडलिंग्स आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। सर, सीडलिंग्स से ही कनेक्टेड कितने, हाउ मेनी सीडलिंग्स इन अ 10-inch पॉट? अगेन ये प्लांट टू प्लांट डिपेंड करेगा। फॉर एन एग्जांपल, यदि आप मैरीगोल्ड लगाते हैं, मैरीगोल्ड की भी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। आप टगेट्स लगाती हैं तो 3, 5, 7 तक लगा सकती हैं, आप डबल मैरीगोल्ड लगाती है तो 3 लगा सकती हैं। और अब ये स्टेज आ गई है कि अब आपको सिंगल सैपलिंग नहीं लगानी चाहिए, 3, 5, 7 प्लांट के अकॉर्डिंगली, सो देट आपका गमला पूरा भर जाए। पिटूनिया आप चाहें तो 1 लगा सकती हैं, बिकॉज पिटूनिया भर के आएगा और पिटूनिया थोड़ा डिले होगा, तो पिटूनिया आप 1 गमले में 1 लगा सकते हैं। बाकी मैं एडवाइस करूंगा कम से कम आप 3 लगाइए या 5 लगाइए 1 गमले में अब। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उसके बारे में, एफिड्स और मीली बग्स के बारे में। मीली बग्स के लिए तो आपने थायमॉक्सिन बताया ना, थायमेक्सोकॉम, यस। हाँ जी, एफिड्स के लिए? अच्छा, अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बोला नवंबर में आपकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी बग्स की, उसमें एफिड्स भी आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला जनरल इंसेक्टिसाइड, जैसे आपका क्लोरोपाइरीफॉस आपके पास जो दीमक के लिए आप लोग यूज करते हो, यदि आप क्लोरोपाइरीफॉस को भी स्प्रे कर दोगे तो आपका एफिड्स निकल जाएगा। अदरवाइज आप इमिडाक्लोरोप्राइड है उसको आप स्प्रे करिए तो भी निकल जाएगा। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड यदि आप जनरल स्प्रे करेंगे तो एफिड्स नहीं आएंगे। और मैंने इससे पहले एक चीज बोली आपको कि अपने प्लांट को आप हेल्दी रखिए। इन केस आप साबुन के पानी से, नीम के पानी से और विनेगर और नींबू से स्प्रे करती हैं लगातार, तो आपके एफिड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेमन जूस और विनेगर का तो आई कैन वाउच बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि आपने विनेगर और लेमन जूस को स्प्रे करना स्टार्ट किया लगातार, आपके प्लांट्स में एफिड छोड़ो बहुत सी बीमारियां जो आएंगी ही नहीं, और आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं। और ये मेरे को आपने दीपा जी बहुत लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया है कि आफ्टर स्प्रेइंग ऑफ दीज, मतलब साबुन का पानी, नीम का पानी और उसके बाद नीम और नींबू और सिरका, हमारे प्लांट में, हमारे गार्डन में, इट्स ए मिरेकल। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका आप अपनाएंगे तो आपको केमिकल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, इन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप देना या वन आफ्टर दी अदर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अक्सर मैंने आपकी क्लासेज में बताया और मैं अक्सर इस पर राइट अप भी करता हूँ। हमेशा आपको क्या करना है, पहले दिन आपको साबुन और नीम से पत्तों को साफ कर देना चाहिए, और अगले दिन आपको सिरका और नींबू का जूस स्प्रे करना चाहिए। दोनों के बीच में आपने एक दिन का गैप रखा, आपका रिजल्ट परफेक्ट आएगा। इमीडिएटली आपको नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली। ओके, सो वन डे गैप, प्रोपोर्शन वही है ना, 5 ml लेमन जूस पर 5 ml परफेक्ट है। 5 ml आपका व्हाइट विनेगर, 5 ml व्हाइट विनेगर, 5 ml फ्रेश लाइम जूस, 1 liter पानी आप बनाइए, स्प्रे करिए। और जब भी आप स्प्रे करेंगे हमेशा ध्यान रखिए आफ्टर सनसेट स्प्रे करें, इवनिंग में, डे टाइम स्प्रे नहीं करना आपने। शाम को 4 बजे के बाद आप स्प्रे करिए, आप देखेंगे आपके प्लांट्स का रिजल्ट। और ये स्पेशली विंटर सीजन का, विंटर सीजनल प्लांट में यदि आपने ये अर्ली स्टेज से करना स्टार्ट कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि आपका ब्लूम, आपका कलर और आपके प्लांट आपके साथ बातें करेंगे। सर, इसमें जो है फर्टिलाइजिंग, जैसे अब सीडलिंग्स लग गई हैं और अच्छी तरह ग्रोथ शुरू हो जाती है, हाँ, तो उसका आप फर्टिलाइजिंग का प्रोसीजर बता देंगे, उसका प्रोग्राम कितने दिनों बाद? मैंने अभी जैसे पिछले थोड़ी देर पहले बोला आपको कि जब आप इसको सीडलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद जैसे आपने ट्रांसफर करने के बाद 1 हफ्ता करीब हो गया, मतलब वो रूट्स उसने सेटल कर ली, उसके बाद आपको करना है। टॉप अप मींस आपको भी नीम के लिए बोन मिल, वो तो बेड में डालनी है या गमले में डालनी है। स्प्रे जो फॉलेज स्प्रे है उसमें आप एनपीके का माइल्ड स्प्रे कर सकती हैं। हां जी, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको विनेगर और ये जो नीम है, ये जो नींबू पानी, ये भी अपने आप में न्यूट्रिशंस हैं, तो ये आप स्प्रे करते रहिए तो ये आपका परफेक्ट लेके जाएगा। टॉप अप आप नीचे करते रहिए, टॉप अप करने के
देखिए स्टेज मैंने आपसे क्या बोला, अर्ली स्टेज तक हमको नाइट्रोजन चाहिए, मतलब नवंबर तक नाइट्रोजन चाहिए, नवंबर के बाद हम नाइट्रोजन न डालें, उसके बाद आपको फास्फोरस पोटास डालना है, और आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना नवंबर तक। देखिए अभी आपने जो लगाया एनरिच सोयल में लगाया, आपने फर्स्ट टॉपअप किया 25 दिन के बाद, दूसरा टॉपअप किया आपने नवंबर में, दो टॉपअप सफिशियंट है। उसके बाद आप जो फॉलेज स्प्रे कर रहे हैं वो परफेक्ट है, आपका अच्छा ब्लूम देगा, बहुत ज्यादा ओवर फीड करने की जरूरत नहीं है सीजनल्स को। ठीक है सर। मिस्टर अग्रवाला का एक और क्वेश्चन आ गया कि कहां गया कि सीडलिंग्स की रूट्स पे शुड सीडलिंग रूट्स बी सोक्ड इन ह्यूमिक एसिड फॉर बेटर सर्वाइवल। इफ यू हैव ह्यूमिक एसिड यू कैन, बट थिंक ऑफ द कंसंट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज आपको और एडवाइस करता हूँ कि जब हम लोग सीडलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं उनकी रूट्स पे यदि हम लोग बेवेस्टी में डिप कर दें या गार्लिक वाटर में डिप कर दें या ह्यूमिक एसिड में डिप कर दें, ये हमेशा बेनिफिट करेगा, आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखना है, ह्यूमिक एसिड बहुत कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। सर एक प्रोपोर्शन दे दीजिए ना वो फिर। हाँ, आप देखिए, नहीं एक्चुअली ह्यूमिक एसिड का प्रोपोर्शन नहीं दे सकती। ह्यूमिक एसिड किस सोर्स से बना हुआ, आपने खुद बनाया है, किस कंपनी से लिया, बना बनाया लिया है, तो ह्यूमिक एसिड को बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो मार्केट में यदि ह्यूमिक एसिड आप ले रहे हैं तो आपने क्या करना है कि एक लीटर पानी में मुश्किल से एक या दो ड्रॉप आपने ह्यूमिक एसिड की डालनी है। ओके, आई होप मिस्टर अग्रवाला दैट क्लियर्स योर डाउट्स। अच्छा सर, फिर अब क्वेश्चन आ गए हैं शेड लविंग प्लांट्स। ओके, शेड लविंग सीजनल बता दें, सेमी शेड और शेड। देखिए सेमी शेड, देखो 100% शेड में तो कोई नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बोला, इसको हम लोग सेमी शेड में बोलते हैं, जिसके लिए बेस्ट जो प्लांट हैं वो तीन प्लांट्स हैं। पहला है सिनेरेरिया, सिनेरेरिया मल्टी कलर में है, बहुत खूबसूरत चलता है, बड़ा बढ़िया चलता है। दूसरा हमारा है साल्विया, साल्विया की परफेक्शन आती है, बहुत बढ़िया चलता है, कहीं कोई इशू नहीं आती। तो साल्विया की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, सिनेरेरिया की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, ये दोनों प्लांट आप शेड में आप लगा सकते हैं और आपका शेड का कहीं कोई इश्यू नहीं रहेगा इन प्लांट्स के बाद। लेकिन अगेन इन प्लांट्स में यदि आपने नाइट्रोजन डाल दिया एक्स्ट्रा तो आपको फ्लावर नहीं आएगा, सिर्फ फॉलेज रह जाएगा। तीसरा वाला प्लांट कौन सा हुआ? तीसरा प्लांट, हाँ तीसरा प्लांट आप समटाइम हम लोग जरबेराज को यूज कर लेते हैं, जो जरबेराज होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं सेमी शेड में। तो सर वो जो आप कह रहे हैं कि कम नाइट्रोजन वाला एनपीके है, वो आप 0:32:54 वाले की बात कर रहे हैं? दिसंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो डालना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन ऐड नहीं करना चाहिए। आपने नाइट्रोजन ऐड किया तो धूप तो है नहीं, वो पत्ते पत्ते ले लेगा, फूल नहीं देगा आपको। सही बात है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट रिड ऑफ व्हाइट पाउडरी इन्फेक्शन ऑन द मैरीगोल्ड प्लांट। मैंने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर पूरी डिटेल बताई है, व्हाइट पाउडरी जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली माइट से जाला लग जाता है, उसके लिए आपको ओमाइट एक्रीसाइड, जो मकड़ी नाशक होती है एक्रीसाइड, नॉर्मली धानुका की ओमाइट के नाम से मिलती है, बट उसमें प्रोपोगाइट करके केमिकल होता है। आप मकड़ी नाशक नाम याद रखो, एक्रीसाइड, आप जहां भी जाएं आप देखें एक्रीसाइड कौन सा अवेलेबल है, एक्रीसाइड लेकिन ब्रांडेड हो, आप स्प्रे करिए आपकी ये जो मैरीगोल्ड पे, मैंने स्पेशली मैरीगोल्ड का नाम लिया था उस टाइम पे कि मैरीगोल्ड में प्रॉब्लम आएगी, आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और आया, शायद एक मिनट में बताती हूँ आपको। वही क्वेश्चन था कि अपना इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल गार्डन, वैसे तो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट एक जनरल इंसेक्टिसाइड आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? देखिए मैंने एक बात अभी बोली है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग आज ऑर्नामेंटल पे बात कर रहे हैं, तो मैं केमिकल बता दूंगा। ईडेबल पे कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी केमिकल मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता दीपा जी, कभी भी। आई एग्री। तो ईडेबल्स के लिए कम से कम मेरे मुंह से कोई केमिकल आप मत निकलवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईडेबल्स पे और फ्रूट पे वेजिटेबल्स पे हम लोग वो करें। लेमन और विनेगर के साथ कर लेंगे वो बेस्ट है। हाँ वो बेस्ट है। इसके अलावा देखिए मैंने एक दो बार अपने क्लासेस में ऑर्गेनिक काफी फार्मूलेज बताए हैं, और आप चाहेंगे तो आपके पूरे यूनिट के लिए आपके लिए हम लोग एक ऑनलाइन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का, हर्ब्स का और फ्रूट्स के लिए कैसे करें पूरा एक लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक मिनट में वो बात खत्म होगी नहीं।
अभी थैंक यू वेरी मच, अभी वैसे पिछले हफ्ते वही हुई थी, बट ये बात है कि वो किसी ने ध्यान से देखा नहीं। अच्छा सर, और क्वेश्चन आए हैं। आई हैव प्लांटेड नस्टर्शियम सीड 7 डे अगो बट दे हैव नॉट स्प्राउटेड, व्हाट कुड बी डन? नो, इट्स नॉट स्प्राउटिंग। बेसिकली नस्टर्शियम का टाइम 10 से 12 दिन का होता है, प्लीज वेट करिए। फिर एक आप तो बता रहे थे ना येलो फ्लावर्स जो है, मारीगोल्ड वगैरह, उनको डिस्पोज ऑफ मत कीजिए, उनको डिप करके रखिए। तो आई थिंक किसी ने मिस कर दिया, वो तो पूछ रहे हैं कि कितने देर तक, कितने दिनों तक उसको डिप करके रखना है। देखिए इसके दो तीन तरीके हैं। यदि आप मैरीगोल्ड के जो पीले फूल होते हैं उनको आप यदि पानी में डिप करते हैं 2 से 3 दिन तक, आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा, वो पानी आप यूज कर सकते हैं। वो जो बचेगा सॉलिड उसको आप खाद में मिला दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि इनकेस आपके पास गौमूत्र है, जो प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें हम लोग डिप करते हैं। तीसरा ये होता है कि जो भी आप एंजाइम बनाते हैं, जैसे आपने एंजाइम बना रखा फ्रूट एंजाइम, उसमें आप ऐड कर, एंजाइम के अंदर आप इसको डिप करिए, एंजाइम इसको इमीडिएट सोक कर लेगा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी 2-3 दिन पानी में भिगो के आप इसको यूज करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्ब डालें सर ग्लैडुला के? एक्चुअली कई दफा लोग जल्दी में डाल देते हैं एक्साइटमेंट में कि बल्ब आए हैं तो लगा लेने चाहिए। अपेरेंटली एक लेडी लिख रही है उनके स्प्राउट नहीं करे हैं ग्लैडुला के बल्ब हैं, तो कितना टाइम लग जाता है स्प्राउटिंग के लिए? अगेन देखिए इसमें क्या है, ग्लैडुलाइज के बल्ब आप उनसे ये पूछिए वो रेस्टेड थे या फ्रेश थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉन रेस्टेड बल्ब आप ले आते हैं लगाते हैं, वो स्प्राउट करेगा ही नहीं। जो रेस्टेड बल्ब होंगे वो ही स्प्राउट करेगा, और रेस्टेड बल्ब जब आप ग्राउंड कर देते हैं उसके 10 से 15 दिन में उसका 100% स्प्राउट आ जाएगा। वैरायटी के हिसाब से 10 दिन और 15 दिन, 15 दिन से डिले नहीं होगा कभी भी। आई होप सुमिता दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चंस और डू वी वाइंड अप? हां सर, वो उसके लिए मैन्योर फॉर बल्ब्स एंड लिक्विड मैन्योर। देखिए बल्ब्स के लिए तो मैंने आपको बोला ना, बल्ब्स के लिए बेस्ट है जो मैं कंपोस्ट इसके लिए बता रहा हूँ, अच्छा वेल रिच कंपोस्ट खाद में मिला हो मिट्टी में, वो बल्ब्स के लिए परफेक्ट है। लिक्विड मैन्योरिंग सेम प्रोसेस आप फॉलो करिए जो आपने ये अपने सीजनल्स के लिए लिया, बिकॉज बल्ब्स प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्ब्स प्लांट्स की रूट्स डेप्थ में नहीं जाती है, टॉप लेयर पे रहती है, इसलिए आप उसको जो बार बार हम जो टॉपअप कर रहे हैं वो आपके बल्ब्स प्लांट्स को बहुत हेल्दी देगा। अगेन आपको फास्फोरस और पोटाश उसमें थोड़ा एडिशनल रखना है, यूरिया नहीं, तो आपके बल्ब प्लांट का कलर और फ्लावर बहुत अच्छा आएगा। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर एक मिनट बिफोर वी से एनीथिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मेंबर्स ए जॉइन ऑन टाइम सो दैट यू कैन अटेंड द होल सेशन। आप लोग बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, वो सेशन आधा कंप्लीट हो चुका होता है, आधा कंप्लीट नहीं आधा हो चुका होता है, और काफी इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी होती है, तो फिर आफ्टर ज्वाइनिंग यू वांट द होल थिंग टू बी रिपीटेड विच इज नॉट फेयर ऑन आवर स्पीकर आल्सो बिकॉज ही और शी हैज ऑलरेडी कवर्ड दैट टॉपिक। इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग एंड यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज सी द रिकॉर्डिंग विच विल बी अपलोडेड अर्लियर। It's better that we ask fresh or new questions so that everybody else gains information by making him repeat the same thing over and over again. It's not helping us anybody. Don't mind my saying this, but it is a fact. Some members have joined very late, and that's not fair on the speaker who has prepared a lecture for you and on the other members who have been there since the beginning. I'm sorry, but it needs to be said. मिश्रा जी एक ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि सीड्स डाल दें ऑल्दो डे टेम्परेचर जरा हाई हैं, बट अगर सपोज हम थोड़ा सा पीछे कर लें 5-10 दिन, एक तो अवेलेबिलिटी सीड्स की ज्यादा नहीं है, वी आर ऑल वेटिंग डिपेंडेंट अपॉन कुरियर टू ब्रिंग द सीड्स, यू नो कि नर्सरीज में भी नहीं पहुंचे, बर्फ खाने वगैरह में काफी दुकानें बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, अगर 10-15 दिन लेट हो जाए तो विल इट रियली अफेक्ट? नो बेसिक नहीं, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि यदि आप डिले कर रहे हैं ना, देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब सीडलिंग्स उस समय का बड़ी फास्ट होंगी टेम्परेचर के बाद में, आपको क्या करना पड़ेगा उसके बाद आपका जो स्कीम है, आपका जो प्लांटिंग प्लान है वो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो थोड़ी और एनरिच करनी पड़ेगी, सो दैट
आप देखेंगे 15 दिन के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा उस समय आपकी सोयल बहुत हेल्दी होनी चाहिए, अभी टेम्परेचर की वजह से रूट्स एक्टिव होती हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है, जैसे फॉर मी, मैं अपने लिए बताता हूं आपको, एज यू नो वेरी वेल, मेरा एक बैच मैंने बहुत पहले डाल दिया, दूसरा बैच मेरा डाल चुका है, तीसरा बैच मेरा अब डलेगा, चौथा बैच मैं 20 अक्टूबर को डालूंगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ये आप मैनेज कर सकते हैं, 100% मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से हमारा पूरा गार्डनिंग तीन चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सनलाइट और वाटर, ये तीन क्रूज। आप इसको मैनेज करेंगे, आप अपना गार्डन मैनेज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ट्रू विवेक, लेट्स टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ। मे आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्विच ऑन देयर कैमरास प्लीज। सुरभि, मिस्टर अग्रवाल, गुड, नाइस टू सी यू। सभी से रिक्वेस्ट है, सब अपने लोग अपने वीडियोस ऑन करें, बिकॉज इट्स नॉट नाइस टू पोस्ट अ फोटोग्राफ ऑन फेसबुक जहां 75% कैमरास बंद होते हैं, पीपल कांट सी हु आर ऑल वर अटेंडिंग। मे आई रिक्वेस्ट प्लीज विवेक, जस्ट सी हाउ मेनी आर ओपनिंग अप। Except Mr. Kul Prakash, everyone is there. Dr. Deswal, please, आप भी कैमरा ऑन कर लें अपना। Oh, host has to okay, open up everybody's camera. Thank you. Just hold on. I'm taking another one. Thank you, very much. आपने हम हमारे लिए इतना important time निकाला, although आपका video आ चुका है, I don't think most of the members are aware of it on winter seasonals. Chrysanthemum वाला तो मैंने share कर दिया, जो भी आपके videos आते हैं, I do share them on the group. I will share this one also. Online. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन मेरी डॉटर है शायद अभी लाइन पे, आप डायरेक्ट बोलिए उनको, डोंट गिव मी टाइम, आप डायरेक्ट बोलिए तन्वी जी ऑनलाइन। तन्वी प्लीज जरा जल्दी जल्दी वीडियोस डालिए, टॉपिकल, रेलेवेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग देम ऑन, इट हेल्प्स एवरीबॉडी गेन नॉलेज फ्रॉम योर फादर्स एक्सपीरियंस। एंड विवेक प्लीज शेयर द सर्टिफिकेट टू शो आवर अप्रिसिएशन। Just give me a minute. Vivek is the host and I would like to thank him on behalf of the society for helping us out. And more importantly, let me tell all the members who are on the group right now, aap logon ki kaiyon ki sirf IDs jo hain phone mein ya iPad dikhai deta, jaise ki ab ye OnePlus 60 hain. Next session onwards, if you do not show us your name, the host will remove you from the group, and then don't blame him, please. Because we would like everybody to show their name. We should know which members are attending and participating wholeheartedly, because the society is making all out efforts to keep you entertained and educated by making, having sessions every weekend, actually. Maheshji, yeah. This is a small token of our appreciation. So nice. I think Mathur Sahab to hain, but unka shayad camera off hai. Mathur Sahab hain, to meri taraf se unko pranam hai, mere guru hain, aur bas ye sab unhi ka aashirwad hai. So thank you, Tanvi, for joining our session, and we hope to see you in other sessions too. Thank you, Mishra ji. Thank you very much. Okay. Thank you, member. Okay. Namaskar. Good weekend. Okay. Namaskar. Thank you.